बेसिकली uh, uh, ये इस एग्जाम्पल के अंदर uh, एक ऑर्डर है जो कि फिफ्टी यूनिट ब्रांड एक्स के प्रोड्यूस uh, uh, करने और डिलीवर करना ऑन द हंड्रेड डे तो हमने uh, कोई मंथ uh, और वीक की बात नहीं हम डेज के हिसाब से कर रहे हैं कि जी हंड्रेड डे के ऊपर यह कंप्लीट होगा सो दैट बैकवर्ड जाने में डेज के हिसाब से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो सिंप्लीफाई किया ये प्रॉब्लम इसमें एक ही मशीन यूज होगी फॉर ईच ऑपरेशन फैक्ट्री जो है दैट वर्क्स वन एट आर शिफ्ट फाइव डेज अ वीक दैट मीन्स के फोर्टी आर्स पर वीक आ, अवेलेबल है और आ, पार्स जो हैं वो फिफ्टी के लॉट के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं ये मूव होते हैं Uh, इसके हमने करना है कि बैकवर्ड शेड्यूलिंग हमने इसके डेवलप uh, करनी है इसके अंदर प्रोडक्ट जो है दैट इज एंड प्रोडक्ट इज एक्स और इसके अंदर दो पार्ट्स हैं ए और बी वो uh, उनको असम्बल कर हम एक्स प्रोड्यूस uh, करते हैं दिस इज बेसिकली बिल ऑफ मटीरियल इसके अंदर प्रोडक्ट ए जो है इसके ऊपर दो ऑपरेशन होते हैं एक ऑपरेशन टेन के नाम से और दूसरा ऑपरेशन ट्वेंटी के नाम से है ये ऑपरेशन टेन जो है ये फाइव डेज में कम्प्लीट होगा ये फिफ्टी यूनिट्स जो हैं, ये इनके ऊपर ऑपरेशन टेन जो है ये फाइव डेज के अंदर मुकम्मल हो जाएगा इसी तरह ऑपरेशन जो ट्वेंटी है वो थ्री डेज में मुकम्मल होगा पार्ट बी के ऊपर सिर्फ एक ऑपरेशन है विच इज ऑपरेशन टेन और उसके लिए टेन डेज रिक्वायर्ड है जो हमने फिफ्टी यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं उसमें टेन डेज लगेंगे और एक्स की जो असेंबली है वो फाइव डेज में कंप्लीट हो जाएगी मीनिंग पचास यूनिट एक्स के हम असेंबल कर लेंगे फाइव डेज के अंदर इसका अगर हम बैकवर्ड शेड्यूलिंग डेवलप करें तो हमने ड्यू डेट हमारी हंड्रेड डे है डे जो ये हमारा डे हंड्रेड इज द ड्यू डेट इससे पांच दिन लगेंगे एक्स को कंप्लीट करने में सो एक्स शुड स्टार्ट एट नाइन्टी फिफ्थ डे उधर शुरू होगा तो हंड्रेड डे के ऊपर ये कंप्लीट होगा एक्स का नाइंटी फिफ्थ डे पर स्टार्ट अगर हो तो उसके लिए पार्ट ए जो है उसका ऑपरेशन ट्वेंटी ये नाइन्टी फिफ्थ डे पर कंप्लीट हो जाना चाहिए अब ऑपरेशन ट्वेंटी टेक्स थ्री डेज तो थ्री डेज हमने uh, करें तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन ट्वेंटी बेसिकली नाइंटी टू नाइन नाइन्टी सेकेंड डे पर uh, शुरू हो जाना चाहिए अगर ये नाइन्टी सेकेंड डे पर शुरू होता है तो ऑपरेशन टेन जो है वो बेसिकली क्योंकि इसके अंदर फाइव डेज लगेंगे तो ये एटी सेवन डे के ऊपर इसका ऑपरेशन टेन शुरू होना चाहिए ऑन पार्ट ए इसी तरह अगर हम इसको पार्ट बी को लेकर चलें तो ये अगेन नाइनटी फिफ्थ डे पर कंप्लीट होना चाहिए सो दैट एक्स जो है उसके असेंबली शुरू हो जाए तो इसका हमें टेन डेज चाहिए ऑपरेशन टेन ऑन पार्ट बी तो ये टेन डेज कब होगा एटी फिफ्थ डे पर पार्ट बी प्रोडक्शन में चला जाना चाहिए इसके प्रोडक्शन शुरू हो जानी चाहिए अब अगर इसको हम देखें तो इसके अंदर हमने दूसरे पार्ट्स वगैरह को नहीं इंक्लूड किया हुआ दैट मीन्स कि दिस इज मोर ऑफ ए इन्फिनिट लोडिंग ये इन्फिनिट लोडिंग है इसके अंदर हमने ये नहीं देखा हुआ कि पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ होंगे और इसके साथ और कुछ लोड भी होगा तो वो हमने लोडिंग जो है ये हमने इनफिनिट लोडिंग के बेसिस के ऊपर ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है